आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर जियो स्टार आता है तो पब्लिक को क्या नुकसान क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग के मन में डाउट है कि जियो स्टार आएगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आज मैं आप सभी को फाइनली बता ही देता हूँ कि अगर जियो स्टार आया तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा जितने भी पब्लिक है, जो भी यूजर है, उन सबको। तो आज की वीडियो में क्लियर ये कर देने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला बात कि आप सभी को भी पता है, हम सभी को पता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड जियो सिनेमा जो है दोनों मर्ज होने वाला है, यानी कि लगभग मर्ज हो ही गया है। अब बाकी उसका जो भी डेटा का काम होता है इधर उधर वो चल रहा है, बाकी आपको जल्द ही जियो स्टार अब देखने को मिल जाएगा फाइनली। तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार भी ख़त्म होगा, जियो सिनेमा भी ख़त्म होगा और नया एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा जियो स्टार, जिस पर आपको हर एक OTT देखने को मिलेगा। तो मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि क्या नुकसान क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदा गिना ही देता हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा आप सभी के फ़ोन में होगा कि आपको दो दो एप्लीकेशन रखना नहीं पड़ेगा, जियो सिनेमा या फिर डिज्नी प्लस हॉट स्टार आपको अलग अलग रखने नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग के मोबाइल में स्टोरेज कम रहता है और जो भी एप्लीकेशन रहता है वो डेटा कंज्यूम करता है, रैम कंज्यूम करता है, इस वजह से फ़ोन भी लैग वगैरह मारता है। तो अब आपको सिर्फ एक ही जगह पर दोनों OTT का कॉन्टेंट एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा या काफ़ी लोग को बेनिफिट होगा, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन रखना नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की, तो आपको यहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दो चीज़ दिखाई देगा, यानी जितने भी ब्रॉडकास्ट है यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जितने भी आता है मूवी वगैरह आपको अलग से लेना पड़ता था इसका सब्सक्रिप्शन, और जियो सिनेमा का उसे लेना ही पड़ता था अलग से सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसका तो उतना सस्ता महंगा भी नहीं था, 29 रुपया में आपको मिलता था, लेकिन लेना पड़ता था। अब होगा क्या, आपको एक जगह पर एक ही प्रीमियम में आपको दोनों चीज़ दिखाई देगा, चाहे आप IPL ले लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड कप ले लीजिए, जितने भी मैच होते हैं BCCI का, वो सब आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। और बाकी TV चैनल जो भी होता है जितने भी ब्रॉडकास्ट करता है TV पर, जैसे कि स्टार गोल्ड या फिर जितने भी स्टार का चैनल है, वो सब आपको दिखाई देगा। उसमें बता दूं कि दो चैनल का नाम शायद से चेंज कर दिया है, जैसे कि Fox HD एक चैनल था, Fox Life, उसे स्टार लाइफ अब कर दिया गया, जैसे कि आप सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैं अपडेट छोटा सा दे दिया। ये TV चैनल है जो कि आपको TV पर दिखाई देता है, तो इसका नाम जो है चेंज हो गया है, दो चैनल है जिसका नाम अभी फ़िलहाल चेंज किया गया है। अब बात कर लेते हैं आपको जो है इसमें नुकसान क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको जो मेन नुकसान दिखाई देगा वो प्रीमियम का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी जितने भी प्रीमियम आपको पहले देखने को मिलते थे उससे थोड़ा सा तो ज़्यादा ही दाम लेने वाला है। जी हाँ, पहले मैं कहता था कि आपको सस्ता दिखाई देगा प्रीमियम, लेकिन कुछ लीक्स के माध्यम से ये पता चला है, डिज्नी अगर स्टार के साथ आ रहा है, जियो स्टार के साथ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आपको जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का रेट तो बढ़ने वही वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाई देगा, चाहे आप मैच वगैरह ले लीजिए, चाहे आप IPL ले लीजिए, चाहे आप बिग बॉस वगैरह ले लीजिए, आपको हर चीज़ दिखाई देगा यहाँ पर। जी हाँ, आपको लगभग 200 रुपया मंथ आपको पे करना पड़ेगा, यानी आपका जेब जो है ढीला होने वाला है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा ये लीक्स के आ रहा है निकल के कि आपको यहाँ पर प्रीमियम महंगा पड़ने वाला हो। हाँ, शुरू में आपको सस्ता दिखाई देगा, शुरू में आपको फ्री भी दिखाई देगा, लेकिन जो पहले ले चुके हैं, अगर आप भी बचना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो अभी आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल या फिर 3 महीना का प्रीमियम ले सकते हैं, आपको जो है सस्ता देखने को मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट बढ़ने वाला है, कन्फर्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लगा था भी कि यहाँ पर आपको फ्री कुछ दिखाई देगा, लेकिन इसका जितना भी खर्चा बैठ गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा बनने वाला है यहाँ पर इंडिया का OTT प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर ऑब्वियस से बात है यहाँ पर रेट यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो यही मैं कहने वाला था, यही मेन नुकसान आपको दिखाई देगा। और दूसरा एक छोटा सा नुकसान है, मुझे लग रहा है अगर इसे कंपनी फिक्स कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार कितना ज़्यादा स्मूथ से वर्क करता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जियो सिनेमा आया था, जियो का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बग देखने को मिलता था, लैग मार रहा था एंड अच्छे से खुल नहीं रहा था, कभी ब्राइटनेस बढ़ जाता था, ये सब प्रॉब्लम जियो के जो भी एप्लीकेशन आता है उसमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर ये काम हो गया, अगर स्मूथनेस ख़त्म हो जाता है जियो स्टार में, तो मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस पर वर्क करता है, काफ़ी ज़्यादा
मतलब मज़ा आता है चलाने में डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जियो सिनेमा उतना मज़ा नहीं आता है चलाने में। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम रहा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, मुझे यही बात का डर है, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी बढ़ने वाला है और अगर इंटरफेस में मज़ा नहीं आया तो सब चीज़ बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ था जो कि आप सभी को पता रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।